में अधिकतम सामान ट्रकों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और अगर ये ट्रक ड्राइवर ही ना हो तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। कभी भी सरकार या उच्च अधिकारियों ने इनकी रक्षा और जरूरतों के बारे में नहीं सोचा होगा जिसके ये हकदार हैं। लेकिन अगर बात की जाए ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी की, तो आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस तरह की मुश्किलातों का सामना कर ये ट्रक ड्राइवर हम लोगों तक सामान पहुंचाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में सामान से भरे ट्रक रुके हुए हैं, और ऐसे में ट्रक ड्राइवर भी कई दिनों से मार्ग पर ही फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने सांबा जिले के नड़मानसर रोड पर फंसे हुए ट्रक ड्राइवरों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना, और उनका कहना था कि ट्रकों को रोकने से वह काफी परेशान हैं। वह लोग 7 दिन से यहां रुके हुए हैं, ऐसे में उन्हें खाने पीने की समस्या भी हो रही है, और ट्रक में सब्जियां और अन्य कच्चा माल खराब होने की कगार पर है। होटल पास ना होने के कारण उन्हें धूल मिट्टी वाली सड़क पर ही खाना बनाना पड़ता है, और पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। वहीं सड़क के तंग होने की वजह से घंटों जाम लगा रहता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिल पाती। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई गई, और ना ही उनकी ओर से यहां कोई आया। एक ट्रक चालक ने सरकार से निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को तो सिर्फ अपना ख्याल है, उन्हें क्या लेना देना है एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी से। खर्चा भी मुक गया, 5-6 दिन हो गया यहाँ, न चावल है न पैसा है, कुछ चाय पिएगा है कहाँ से लाएगा पैसा। तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे, पानी की भी कमी है, सब चीज कमी है यहाँ, मुसीबतें फंस गया यहाँ, कपड़ा धोना साबुन नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? यही बात, हमको छोड़ो यहाँ से, हम मुसीबतें फंस गया यहाँ। बलजीत सिंह मेरा नाम, पिंड मेरा जोधे ब्यास लागे, डेरा ब्यास लागे। 6-7 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं थे, रोटियां इतने खा लेने, भुंजे बह के रोटी खाने, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई खाने की नहीं। कह देंगे अड छड़ दांगे, अड छड़ दांगे, छड़दे है नहीं। 6-7 दिन हो गए इतने फाए लगे, ना घर दे ना बाहर दे, फसे हुए हैं, इतने फसे हैं। की करना हूं, इतने फसे हैं, ना गड्डी छड़ के जान जोगे, ना इन किसी पास लान जोगे, राह किसी पास खुलता नहीं। की करिए हूं, अं किधर जाइए? मानसा ने रोड बढ़ावा, रोड खुला चाहिए जी, इतने 7-8 दिन इतने बैठे की फायदा इतने बहन ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਾਉਣ ਛੱਡਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਵੀ ਰਹੇ ਬੰਦ ਬਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੱਡੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਗੱਡੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਢੱਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੋਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੋ ਵਹ ਕੈਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ इन ड्राइवरों की आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ऐसी स्थिति में इनके बारे में कुछ सोचे और कम से कम इनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करे। नमस्कार। वक्त इंडिया, यही वक्त है।